कोटा में संजय नगर रेलवे लाइन के पास बने पुराने अंडरपास में पिछले कई महीनों से पुलिया का कार्य अटका हुआ है, जिससे सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें 1 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर पुलिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसको लेकर कई बार पार्षद, महापौर और निगम अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एरोड्रम, छावनी और विज्ञान नगर से औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए यह सीधा रास्ता है और इसको देखते हुए निगम के द्वारा इसमें सीसी रोड भी बनाया गया था। बारिश के दौरान आने वाली समस्या को देखते हुए नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन नाले के टूटने के बाद से ही फाइल अटक गई। पार्षद गफ्फार हुसैन का कहना है कि इस संबंध में निगम अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि जनता की समस्या को देखते हुए अधिकारियों से चर्चा करके अधूरे पड़े इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आने जाने की है, क्योंकि 1 से 1.5 हजार मजदूर इस इलाके में काम करते हैं, जो इन बस्तियों में रहते हैं। वो सारे मजदूर इस पुलिया पर आकर के जाते हैं, तो 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर उनका बढ़ जाता है। रश ऊपर ज़्यादा रहता है, एक्सीडेंट का खतरा है, नीचे से पास में पड़ता है हम लोगों के, पर ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है अभी तक। काफ़ी फ़र्क पड़ गया भाई साहब, इससे रोजगार में बहुत फर्क पड़ा हुआ है। पहले क्या है, साधन जैसे नीचे से आता था ना, तो आराम से निकल के फट पहुँच जाता था। अब ऊपर से आने में कितनी बार घुमा, पे जाम भी रहता है, तो वहाँ से ऊपर चढ़ता है, फिर जब घूमता है तो एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा रहता है। कितनी बार ऑटो वगैरह ये खड़े रहते हैं, कितनी बार अड़ जाती है, बिड़ जाती है उनकी गाड़ियाँ, लड़ाई झगड़े का डर रहता है। अब इस सोच में काफ़ी 2 साल से हम परेशान हैं इस पुलिया की वजह से, अगर बन जाए तो बड़ी मेहरबानी। 2 साल से सर ये समस्या बनी हुई है। पिछले 2 साल पहले इस बस्ती के अंदर संजय नगर और विज्ञान नगर, ये सिला चौधरी तक के वहाँ तक का पानी इसमें आता है, तो ये यहाँ पे उसके सीमेंट के पाइप डले हुए थे, तो उस वक्त ये बस्ती में पानी बढ़ने की वजह से 2 साल पहले इस पुलिया को, ये पाइपों को हटा के, और ये इन्होंने बोला था कि भाई 1-2 महीने में इसको पुलिया बना देंगे। तो जब से ये 2 साल से टूटी हुई पड़ी है, उसके बाद हमने नगर निगम में, UIT में सभी अधिकारियों को अवगत कराया इसके बारे में, लेकिन किसी के जूं तक नहीं रेंग रही इस चीज़ की। और इस बस्ती के और अपने बम्बई योजना, अपने सूरसागर, तेकड़ा के सभी लोग जो पैदल आने जाने वाले थे, वो इसी रास्ते से, ट्रैक्टर वाले, बाकी सभी इसी रास्ते से निकलते थे। इस पुलिया से अपने दास पेट्रोल पंप के यहाँ पर उतर जाते थे, अपने मोहम्मद मियाँ जी का जो पेट्रोल पंप है वहाँ से। क्या है, अभी जो ये पुलिया, ये रास्ता बंद होने से अब ये वहाँ पे क्या एक्सीडेंट का खतरा आए दिन बना रहता है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमारा तो ये है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी अगर बन जाए तो इन सभी लोगों को राहत मिल जाएगी, और ये कच्ची बस्ती वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं यहाँ से गुजरते थे, इनको सबको राहत मिलेगी। महापौर जी से बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? महापौर साहब से मेरी बात हुई थी, महापौर साहब ने भी अधिकारियों से इसके बारे में कई बार अवगत करा दिया है और आदेश भी दिए बनाने के, और शायद इसका मैंने पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा सुना था कि टेंडर लगा था, लेकिन अब वो टेंडर किस वजह से कैंसिल हुआ, क्या हुआ, ये पता नहीं। नाम बताएं आपका? गफ्फार हुसैन अंसारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 40। से वाकई समस्या आ रही है, मैंने ये नाला जब तोड़ा था तो संजय नगर में जो पानी भरता है, छतपुरा में जो पानी भरता है, इसमें केवल एक पाइप डला हुआ था, उससे पूरा निकास नहीं होता था, तो पीछे वाटर लेवल बढ़ता था। मैं समझता हूँ 2 साल पहले हमने ये नाला तोड़ा था, और इसलिए तोड़ा था कि यहाँ पे पुलिया बना देंगे, परंतु कुछ इच्छा शक्ति की कमी रही होगी। मैंने कई बार अवगत भी कराया हमारे एक्शंस वगैरह को, पर वो टेंडर क्यों नहीं लगा पाया ये कारण समझ में नहीं आया। हमने UIT से भी इसको कराने का प्रयास किया था, लेकिन प्रॉपर हो नहीं पाया। अब इसका टेंडर लगवा के, क्योंकि वाकई वहाँ पे काफ़ी समस्या आ रही है, संजय नगर, छतपुरा, विद्या नगर के कई लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया या उधर जाते हैं, तो उनको काफ़ी चक्कर लगा के आना पड़ता है, पर इसको हम जल्द से जल्द करवा देंगे।